टेस्ला वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कार बनाता है और सेफेस्ट कार मेकर इन यूएसए का टैग भी फिलहाल टेस्ला के पास ही है। रिसेंटली टेस्ला मॉडल वाई को आज तक की हाईएस्ट एवर क्रैश टेस्ट स्कोर मिले थे यूरो एनकैप के क्रैश टेस्ट में। इंडिया में काफ़ी लोगों को टेस्ला का आने का इंतजार है, हालांकि ये कब पॉसिबल हो पाएगा ये अभी तक नहीं कहा जा सकता, पर टेस्ला मॉडल 3 एंड टेस्ला मॉडल वाई को कई बार इंडिया में टेस्ट होते हुए सड़कों पर देखा गया है। होपफुली ये कार्स इंडिया में जल्द देखने को मिले, क्योंकि सेफ्टी के मामले में इन कार्स का कोई तोड़ नहीं है। और आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों टेस्ला वाई को यूरो एनकैप के क्रैश टेस्ट में हाईएस्ट एवर सेफ्टी रेटिंग मिली थी। ये पिक्चर्स मिस्टर टॉम जॉर्ज के फेसबुक पेज पर शेयर की गई थी, जो एक अमेरिकन टीवी रिपोर्टर है। सो एज पर इन्फॉर्मेशन, इस एक्सीडेंट में टेस्ला हाईवे से समहाउ उड़ते हुए डिवाइडर जंप करते हुए दूसरी तरफ आई और सीधा एक घर के सामने दीवार के ऊपर लैंड हुई। पोस्ट में यह भी बताया गया था कि यहाँ टेस्ला मॉडल वाई में 3 लोग ट्रैवल कर रहे थे और सब सेफ थे। हालांकि कमेंट सेक्शन पढ़ने पर और डिटेल में पता लग सका कि टेस्ला मॉडल वाई में यहाँ 2 लोग ट्रैवल कर रहे थे, जिनमें एक 26 ईयर की लेडी और एक 5 साल का बच्चा था। और यहाँ माजदा और टेस्ला के बीच हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ, जिस वजह से टेस्ला घूमते हुए मेडियन को हिट करके दूसरी तरफ पहुँच गई और कार ऑलमोस्ट उड़ती हुई घर के सामने लैंड हुई। काफ़ी मेजर एक्सीडेंट होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि टेस्ला मॉडल वाई ने यहाँ बेहतरीन मजबूती दिखाई है। गाड़ी में सारे एयरबैग्स इंक्लूडिंग कर्टन एयरबैग्स खुले हुए देखे जा सकते हैं और ए पिलर पूरी तरह इंटैक्ट हैं, साथ में रूफ ने भी इम्पैक्ट काफ़ी सही से लिया है और इसी वजह से यूरो एनकैप में ये कार आज तक की सेफेस्ट कार है। तो एक सेफ कार की इंपॉर्टेंस ऐसे एक्सीडेंट में ही पता लग पाती है और एक सेफ कार डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ हो सकती है, जो ये एक्सीडेंट साफ दिखाता है। होपफुली जल्द से जल्द इंडिया में भी एक सही प्राइस पर टेस्ला की कार्स को लॉन्च किया जाए, ताकि इंडिया में भी वर्ल्ड की वन ऑफ द सेफेस्ट कार लोग ले सकें। आपका क्या सोचना है टेस्ला की मजबूती के बारे में और आपको क्या लगता है कि कब तक इंडिया में ये कार लॉन्च करी जाएगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।